देखिए 26/11 एक ऐसा हमला था मुंबई के ऊपर, ये हमला मुंबई पर नहीं था, यह हमला देश की फाइनेंशियल कैपिटल आर्थिक राजधानी मुंबई पर था, यानी देश पर हमला। इस प्रकार से हमला करके देश की अर्थव्यवस्था को उद्ध्वस्त करने की साजिश थी, उसमें बहुत से निरपराध लोग मारे गए, 20 से भी ज़्यादा जहांबाज पुलिस अधिकारी शहीद हो गए। इस प्रकार से हमले हम भूल नहीं सकते, क्योंकि ऐसे हमले जब देश पे होते हैं तो देश हिल जाता है, उनकी जड़ें हिल जाती है। जब मुंबई पे हमला हुआ तब ऐसा ही हुआ था, उससे हमने सबक लेने चाहिए और हमने ले लिया है। मुंबई की रक्षा करनी चाहिए, मुंबई जैसे शहर है उनकी रक्षा करनी चाहिए। मुंबई को कमजोर करने की साजिश इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही थी और आज हमारे दिल्ली के लोग भी कर रहे हैं, हम देख लेंगे। देखिए अब जिस तरह से सिक्योरिटी का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसमें मुंबई जैसे शहरों को सबसे बड़ा खतरा है। मुंबई का खतरा कायम है लेकिन कश्मीर भी खतरा है। कश्मीर में 8 दिन में 6 से आसपास हमारे आर्मी के अधिकारी और जवानों की शहादत हो गई। मणिपुर में हमारे लोग मर रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही? 26/11 तो होते ही रहते हैं और सरकार देखते रहती है। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी अब तक नहीं हो रही है, हमारे जवान, हमारे कर्नल्स, हमारे कैप्टन, हमारे मेजर्स मारे जा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री हवा में जाकर सबको हाथ हिलाकर दिखा रहे हैं।